चलिए जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा सेशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 एरर्स प्रायर पीरियड आइटम्स सॉरी एरर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स से रिलेटेड। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी को फास्ट ट्रैक बैच परचेज करना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हम TYK के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेटेस्टली Jan 22 मॉड्यूल में जितने भी नए ऐश क्वेश्चंस ऐड हुए वो TYK में ऐड हुए हैं, तो हम सारे के सारे TYK सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपके न्यूली एडेड क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई आज का सेशन शुरू करते हैं। फिर पेज नंबर 4.41 पे आ जाइए, पेज नंबर 4.41। वेरी गुड मॉर्निंग शुभम जी, वेरी गुड मॉर्निंग इंद्र जी। चल अ कारपेट रिटेल आउटलेट सेल्स एंड फिट्स कारपेट इन जनरल पब्लिक। इट रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू व्हेन द कारपेट इज फिटेड विच ऑन एन एवरेज इज 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ कारपेट। अब देखिए पहले 115 के एंगल से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आप कारपेट सेल करते हैं, कारपेट को फिट करते हैं, हम इसको दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने या सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान लेते हैं कि कारपेट कोई और मार्केट में फिट नहीं करता है, सिर्फ आप ही फिट करते हैं, यानी मार्केट में कोई और कारपेट फिट करने वाले लोग अवेलेबल नहीं है, आप ही फिट करते हैं और आप अलग से कारपेट फिट नहीं करते, आप सिर्फ खुद के जो कारपेट सेल करते हैं वही फिट करते हैं। तो अगर ऐसा माने तो यहाँ पे कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे इंडिया 115 के एंगल से, पहले इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, फिर आंसर के बारे में आगे पढ़ेंगे, पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में क्या बोला है। सर आपने TYK के पहले भी क्वेश्चंस अपलोड किए थे जुलाई 21, वो देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं शुभम जी। अब क्या हुआ, कुछ इस मॉड्यूल में कुछ नए क्वेश्चन ऐड हुए वो TYK में ऐड हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ से करा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। हाँ तो भाई मैंने सवाल पूछा आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन के एंगल से कि हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस डू यू थिंक यहाँ पे है, तो कमल जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बाकी के लोग सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यस यहाँ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्योंकि आप ही फिट करते हो, आप ही फिट करते हो और कोई मार्केट में है नहीं फिट करने वाला, तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पर फिर क्या हुआ, देन डिसाइड्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट द फिटिंग ऑफ कारपेट टू सेल्फ एम्प्लॉयड फिटर्स। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब आपने जो कारपेट फिटिंग का काम है, मार्केट में दूसरे लोग आ गए वो लोग भी फिट करते हैं, आपने उनको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने उनको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब जो कारपेट को फिट करना है वो आप करते हैं, कारपेट का सेल आप करते हैं, फिट कोई और करता है, कस्टमर को तो आप ही बोलते हो कि आप फिट करके दे रहे हो पर काम आउटसोर्स्ड है। पहले आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते थे जब कारपेट फिट हो जाता था, अब लिखा है एट द पॉइंट ऑफ सेल ऑफ कारपेट, हम रेवेन्यू को उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जिस दिन हमने कारपेट सेल कर लिया, क्योंकि अब हमने काम सब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या हम बोल सकते हैं कि हमने पॉलिसी बदल दी, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, क्या ये एरर है हमारा किसी प्रकार का, आपको कुछ भी लग रहा है ऐसा कुछ है, इनमें से कुछ भी लग रहा है कि भाई हमने पॉलिसी बदल दी हमारी, पॉलिसी है ना, अकाउंटिंग की पॉलिसी की बात हो रही है, बिजनेस की पॉलिसी की बात मत करना है यहाँ पे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में हम अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करते हैं, तो क्या हम लोगों ने हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल दिया, कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा होगा कि भाई नहीं सर एस्टिमेट बदला है यहाँ पे, या फिर आपको लगता है कि नहीं एरर हुआ है हमसे, कुछ भी जो भी आपको लगे बताइए बताइए। इंद्र जी का कहना है कि सर यहाँ पे एस्टिमेट चेंज हुआ है। बाकी लोगों का क्या कहना है, अरे बोलो ना यार, बाकी के लोग अटेम्प्ट तो करो, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे आप लोग तो कैसा चलेगा, सुनने से क्या होगा, बिजनेस ही चेंज हो गया बोल सकते हैं। ठीक है ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट पॉलिसी चेंज तो नहीं है, पॉलिसी चेंज तब होता है जब हमारे पास पहले कोई चीज़ हम कर रहे थे, अब हम उसका अकाउंटिंग का तरीका एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे वो तो नहीं हो रहा, यहाँ पे हम पहले खुद कारपेट फिट करते थे, अब हमने सब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, बस ये फ़र्क आया है, बहुत बड़ा फर्क यही है। तो जब बिजनेस में ही हम कुछ नया करने लग जाते हैं उसके कारण अगर हमको अकाउंटिंग का तरीका बदलना पड़ता है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। यहाँ पे हम बिजनेस को चेंज कर रहे हैं जिसके कारण हम लोगों को पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना पड़ रहा है, सो दिस इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ चेंज, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई, ठीक है बस ये ध्यान में रखिए एस्टिमेट्स क्या बदल रहे हैं, आपने कौन सा एस्टिमेट चेंज कर दिया कि पहले मैं अकाउंटिंग कर रहा था वो तरीका अब हम लोगों ने ऐसा कुछ कर देना चाहिए, हम सोच रहे हैं, हम सोच नहीं बदल रहे, हमने बिजनेस बदला जिसके कारण
इन डेज बोलता है कि अब आपने अकाउंटिंग ऐसी करनी चाहिए। बिजनेस बदलने के कारण अकाउंटिंग बदली ना, आपकी सोच के कारण थोड़ी अकाउंटिंग बदल रही है। तो दैट इज नॉट चेंज इन एस्टिमेट, दिस इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। ये सब लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम में आंसर देते समय, ऐसे आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हेन एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर थर्ड बैलेंस शीट, आप थर्ड बैलेंस शीट कब बनाते हैं? ये मैं आप लोगों को नहीं पूछूंगा। देखिए आप थर्ड बैलेंस शीट दो तीन केसेस में बनाते हैं, एक जब आपसे एरर हुआ है, दो जब आप पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा जब आप इंड एस अडॉप्ट कर रहे हैं। ये तीन केसेस में हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें भी एरर ऐसा होना चाहिए या पॉलिसी चेंज ऐसा होना चाहिए जिसके कारण ओपनिंग बैलेंस शीट के रिटेन अर्निंग पे इंपैक्ट हो रहा है, यानी कि लास्ट ईयर के अलावा भी उसके पहले के बैलेंस शीट्स में कुछ इंपैक्ट होगा। अगर यानी रिटेन अर्निंग बदल रही है या बैलेंस शीट के अंदर में कोई फर्क आना चाहिए तो ही तीसरी बैलेंस शीट बनेगी, अदरवाइज नहीं। यानी एरर भी अगर सिर्फ पिछले साल से रिलेटेड है, उसके पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ लास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो भी तीन बैलेंस शीट नहीं बनती। पॉलिसी अगर हम चेंज कर रहे हैं जो लास्ट ईयर ही हमने फर्स्ट टाइम अडॉप्ट की थी, पिछले साल पहली बार अडॉप्ट की थी और ये दूसरा साल है और हम लोग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो भी दो ही बैलेंस शीट बनेगी। तीन बैलेंस शीट कब बनती है? जब आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट आ रहा है कि रिटेन अर्निंग बदल रहा है, बैलेंस शीट के कोई फिगर्स बदल रहे हैं, तब तीन बैलेंस शीट बनते हैं, अदरवाइज तीन बैलेंस शीट्स नहीं बदलती बनती, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ये थियोरेटिकल था इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं पूछा। अब यहाँ से मैं आप लोगों को फिर से पूछूंगा, आप लोग आंसर करेंगे। देखिए, ड्यूरिंग द ईयर देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सो एज टू अप्लाई कंपोनेंट अप्रोच फुल्ली। अब कंपोनेंट अप्रोच फुल्ली का क्या मतलब है इनका? जैसे सपोज कीजिए कि पहले मेरे पास सपोज एक कार है, तो मैं बोलता हूँ यार कार मैं 10 साल यूज करने वाला हूँ, तो पूरे कार को मैं 10 साल में डिप्रिशिएट कर रहा था। यानी मैं अज्यूम कर रहा था कि कार के अंदर के जो पार्ट्स है उनकी भी लाइफ 10 साल है, ये मान के मैं पूरा का पूरा हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा नहीं यार मेरे को पता है कि टायर की लाइफ अलग है, इंजन की लाइफ अलग है, कुछ और पार्ट्स है जैसे ग्लास वगैरह उसकी लाइफ अलग है, अंदर की बॉडी पार्ट्स की लाइफ अलग है। तो हमने बोला यार कंपोनेंट अप्रोच फुल्ली लगाना चाहिए हमने। अब इंडिया 16 में तो कंपोनेंट अप्रोच ही है डिप्रिसिएशन का, और कोई तरीका ही नहीं। हम पहले मान रहे थे सारे कंपोनेंट्स की लाइफ एक जितनी है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक पार्ट के लाइफ के बेसिस पर हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? बताइए आपको क्या लग रहा है, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? और दूसरी तरफ तो रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हैं। भाई रिवैल्यूएशन मॉडल को लगाना तो पॉलिसी है, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कंपोनेंट अप्रोच को लगाना, फुल्ली कंपोनेंट अप्रोच को लगाना पॉलिसी है या एस्टिमेट है, बताइए। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए भी तीन बैलेंस शीट। कमल जी बेटर प्रेजेंटेशन मतलब पॉलिसी चेंज करना हो गया ना, ठीक है। एस्टिमेट चेंज कमल जी के हिसाब से है ना। गुड मॉर्निंग हेमंदर जी। इंद्र जी के हिसाब से एस्टिमेट चेंज है, करेक्ट। बाकी लोग भी आंसर करो यार, कोई आंसर ही नहीं करता है, ऐसे क्या पढ़ाऊंगा मैं अगर आप लोग कुछ बोलोगे ही नहीं। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, करेक्ट, कुछ गलत नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। जितना मैं जानता हूँ इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर जो पुरानी मॉड्यूल में था उसके हिसाब से इसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोला था कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, मेरे हिसाब से जो कि गलत है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, एरर हो सकता है कि मैंने पहले कंपोनेंट अप्रोच नहीं लगाया था, अब मैं लगा रहा हूँ, तो ये तो एरर है क्योंकि इंडिया 16 में एक ही मेथड दिया गया है कंपोनेंट अप्रोच। तो फुल्ली कंपोनेंट अप्रोच लगा रहा हूँ, पहले पार्शियल कंपोनेंट अप्रोच लगाया था, ऐसा कुछ होता नहीं है। कंसेप्ट एक ही होता है कंपोनेंट अप्रोच लगाना, ठीक है। उसमें लाइफ के एस्टिमेट्स आपके बदल सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये चेंज इन एस्टिमेट है। अभी नई मॉड्यूल में क्या आंसर है मुझे पता नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इंस्टीट्यूट का आंसर किस तरह से दिया गया, पर मेरे हिसाब से तो ये चेंज इन एस्टिमेट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेल्टा लिमिटेड एसेट रिकॉर्ड्स वर नॉट सफिशिएंटली डिटेल्ड टू अप्लाई अ कंपोनेंट अप्रोच फुल्ली। एट द एंड ऑफ 2001 मैनेजमेंट कमीशन्ड एन इंजीनियरिंग सर्वे विच प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंपोनेंट्स हेल्ड एंड देयर फेयर वैल्यू। तो आपने एक इंजीनियरिंग सर्वे कराया जिसमें आपको सारे आपके पास क्या क्या कंपोनेंट्स है ये और उनकी फेयर वैल्यू बताई गई है, उनकी यूजफुल लाइफ बताई गई है, उनकी रेसिडुअल वैल्यू बताई गई है, उनका डिप्रिसिएशन का अमाउंट बताया गया एट द बिगनिंग ऑफ 2002, बिगनिंग में। हाउएवर द सर्वे डिड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट बेसिस टू रिलायबली एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स प्रीवियसली बीन अकाउंटेड फॉर। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो दो चीज़ें हो रही है, एक तरफ तो कंपोनेंट अप्रोच लगाया जो मेरे हिसाब से चेंज इन एस्टिमेट है, एक रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो ओवरऑल पॉलिसी तो चेंज कर रहे हैं, पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट तो करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। आप इंजीनियरिंग सर्वे से आज की वैल्यू तो निकाल दे रहे हैं पर पुरानी वैल्यूज निकाल के नहीं दे रहे। यानी इंजीनियरिंग सर्वे से अगर मेरे को पुरानी वैल्यूज नहीं मिलेगी
पॉलिसी चेंज होती है तो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाना पड़ता है ना, तो यहाँ रेट्रोस्पेक्टिवली आप नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्वे आज की वैल्यू तो बता रहा है, पुरानी वैल्यूज नहीं बता रहा। आप दिक्कत समझ रहे हैं? आपको दिक्कत समझ में आ रही है? एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स डिड नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी रिकंस्ट्रक्टेड, तो यहाँ आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा रहे हैं। ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे आप रेट्रोस्पेक्टिवली पॉलिसी चेंज नहीं करते? मेरा सवाल है, ऐसा कौन सा केस है जहाँ आप पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं करते, बताइए। मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक डाउट व्हाट्सअप किया, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। हेमंदर जी, अब जितने भी डाउट सॉल्विंग सेशन है अपन सिर्फ सैटरडे को लेते हैं, व्हाट्सएप के अंदर में अभी फिलहाल हम लोग डाउट सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप के थ्रू हो रहे हैं, उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके व्हाट्सएप उन सबके नॉर्मल जनरल डाउट सॉल्विंग हम सिर्फ सैटरडे टू सैटरडे करेंगे। यूट्यूब लाइव पे ही डाउट सॉल्विंग होंगे, आप उस समय पूछ लीजिएगा जो भी डाउट है आपका। हाँ तो भाई आंसर कीजिए, ऐसा कौन सा केस होता है जब हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करते, बताइए बताइए। वेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू द सेम, वेरी गुड इंदिरा जी। लिमिटेशंस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी, वहां पे आप सौरभ जी लिखेंगे इम्प्रैक्टिकेबल, वर्ड इम्प्रैक्टिकेबल बहुत जरूरी है, ठीक है? जब प्रैक्टिकेबल नहीं हो, हाँ एग्जाम में आप लोग इम्प्रैक्टिकेबल यही वर्ड यूज करोगे, इम्प्रैक्टिकेबल। जब इम्प्रैक्टिकेबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आ रहे, इंजीनियरिंग सर्वे रेट्रोस्पेक्टिव कराना पड़ेगा, उसका कॉस्ट डजेंट मेक सेंस, तो इम्प्रैक्टिकेबल इम्प्रैक्टिकेबल ही हो गया ना वो एक प्रकार से। सही बोल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। तो यहाँ इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, मैं रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करूंगा, मैं करंट ईयर से ही अप्लाई करूंगा। अभी भी एक दिक्कत है, आपने ना कंपोनेंट्स की फेयर वैल्यू निकाली है, आपने कंपोनेंट्स की फेयर वैल्यू निकाली है, अभी कैरिंग अमाउंट का प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट कंसिडर्ड हाउ टू अकाउंट फॉर ईच ऑफ द टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग चेंज दे डिटरमिन, तो ये तो हमने देख लिया पॉलिसी है, नॉट प्रैक्टिकेबल भी उन लोगों ने बोल दिया। ऑल्सो द चेंज इन कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल इज टू बी अकाउंटेड प्रोस्पेक्टिवली, देयरफॉर मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड यू वेरियस इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने आपको बोला कि 25,000 कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन 14, तो 11,000 नेट बुक वैल्यू है। अगर पुराने बेसिस पे ही चलें तो 1,500 का डिप्रिसिएशन होना चाहिए, है ना? वैल्यूएशन अब आप निकाल रहे हैं 17,000, मतलब आपने वैल्यू कितने से बढ़ा दी, बताइए। मतलब अब आपने वैल्यू कितने से बढ़ा दी, क्या बोलेंगे आप इसको? अब आपने वैल्यू कितने से बढ़ा दी, क्या बोलेंगे आप इसको? यार ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सिस्टम स्लो हो गया है। आप लोग ज़रा देखिए मेरे को बताइए, जैसे ये बुक वैल्यू है 11,000 11,000 पुराने वाले बेसिस पे, नए वाले से आप 17,000 की फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, आप क्या करेंगे? ट्राई टू आंसर, स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरे को पता है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, पता नहीं आजकल कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं। ट्राई टू आंसर। 6,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में 6,000 डाल देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, अब आपकी एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 3,000 है, ठीक है ना? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, स्क्रीन के ऊपर अभी तक आया नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 17,000 आपने कैरिंग अमाउंट कर दिया, रेसिडुअल वैल्यू 3,000 है, और अब लाइफ आप 7 ईयर्स बोल रहे हो, अब लाइफ 7 ईयर्स बोल रहे हो, तो डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,000, अब देना नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट दे रही है, तो 2,000 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन है। पुराने बेसिस पे 1,500 होना था, नए मेथड पे 2,000 का डिप्रिसिएशन है ना? तो हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट डिस्क्लोजर देते हैं ना, डिस्क्लोजर देते हैं कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हुआ पॉलिसी बदलने के कारण, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट में हम क्या बोलेंगे? फाइन, जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है, एग्जाम में भी आपको लिख के आना पड़ेगा कि भाई उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी व्हाट इज द फाइनेंशियल इंपैक्ट। तो फाइनेंशियल इंपैक्ट में आप क्या बोलेंगे? ट्राई टू आंसर। मैं तब तक एक बार इसको वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक बार वापस से करते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ 2,000 है, पुराने बेसिस पे 1,500 था, तो भाई ये हाँ डिप्रिसिएशन इंक्रीजेस, प्रॉफिट डिक्रीजेस बाय 500, हम एग्जाम में लिख के आएंगे बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय 500, देयर इज अ डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय 500, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने यहाँ पे आपको टैक्स रेट भी दे के रखा है, क्या करना है टैक्स रेट का? 30%, 30% का टैक्स रेट दिया हुआ है, क्या करना है 30% टैक्स रेट का, बताइए बताइए। ट्राई टू आंसर।
करेक्ट सोनू जी, बहुत बढ़िया। एक रीज़न फॉर चेंज बताएंगे, चेंज अमाउंट बताएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज बताएंगे, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, टैक्स का रेट दिया हुआ है आपको, आप रीवैल्यू कर रहे हैं पर आप उसके ऊपर टैक्स तो पे नहीं करने वाले, तो 6000 पे 30%, शानदार बहुत बढ़िया, 1800 का आप डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी लेंगे। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, बहुत स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, पीपी टू ओसीआई 6000 रुपये जाएगा, ठीक है, पीपी से ओसीआई में 6000 रुपये जाएगा। फिर उसके बाद आप ओसीआई से ही डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बना रहे हैं 1800 की। अब ध्यान रखिए, रीवैल्यूएशन सरप्लस में डिफरेंस जाएगा इसका 4200, ठीक है ना, 4200 गया रिवैल्यूएशन सरप्लस में, रिवैल्यूएशन सरप्लस में 6000 पूरा नहीं गया है, ये बात ध्यान में रखेंगे, सिर्फ 4200 गया है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ये बच्चे बोलते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में पूरा 6000 गया, पूरा 6000 नहीं गया रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अरे यार आज क्या प्रॉब्लम है, किसी को डाउट है इस बात पे तो बताइए। रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर में 4200 जाएगा, मेन मुद्दा ये है, मेन मुझे ये समझाना है आप लोगों को। इस तरह से ये रीजन एंट्री, चल तो मैं फिलहाल आगे बढ़ रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर हम फुल्ली कंपोनेंट अप्रोच लगाना चाहते हैं पर हमने रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगाया, एक ऐसा क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, आरटीपी एमटीपी में कहीं तो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। भाई हमें फेयर वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स पता है, हमको फुल्ली कंपोनेंट अप्रोच लगाना है, हमको फेयर वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स पता है, हमको कॉस्ट नहीं पता, भाई कैरिंग अमाउंट नहीं पता हमको कंपोनेंट्स की, तो ऐसे में हम कैरिंग अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स कैसे डिटरमिन करेंगे। वी नो द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स, वी डोंट नो द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट 11000 है, अब इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसमें ये जो आपको कैरिंग अमाउंट दी हुई है 11000, इसके अंदर में 4 कंपोनेंट्स हैं ए बी सी डी, इनकी कैरिंग अमाउंट नहीं पता, इनकी कैरिंग अमाउंट नहीं पता कि इतने सालों से हम लोग पुराने मेथड से ही करते आ रहे हैं ना, इनको फेयर वैल्यू पता उनकी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए बताइए। एक्सेस डेप्रिसिएशन 500, रिवैल्यूएशन सरप्लस पीएल से ट्रांसफर होगा। शेरन जी आप जो बोल रहे हैं कि भाई एक्सेस डेप्रिसिएशन है तो हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया है एंटिटी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ट्रांसफर द एक्सेस डेप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक्सेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस तभी होता है, पहली बात, ठीक है, तभी होता है। दूसरी बात, आपने वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को पीएल में डाला, पीएल में नहीं जाता, रिटेन अर्निंग में जाता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट टू रिटेन अर्निंग नॉट पीएल, ये ध्यान में रखेंगे शरण जी। क्वेश्चन में दिया रहा तो करना है, वो हर बार ऐसा कंपलसरी नहीं होता वो हर बार, ठीक है। चलिए पीवी इफ वी बाय, प्रेजेंट वैल्यू इफ वी बाय, नहीं बाय की बात नहीं है नरेंद्र जी, आपने दो अलग अलग क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, मैं वो बोल ही नहीं रहा, कंपोनेंट अप्रोच के हिसाब से मैंने एक पार्ट को रिप्लेस कर दिया तो पीवी की कहानी आई, आपने दो कंसेप्ट मिक्स कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। फेयर वैल्यू के रेशियो में, वेरी गुड सोनू जी, वेरी गुड इंद्र जी, करेक्ट, फेयर वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी को भी और कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का मेथड अगर आप चेंज कर रहे हैं तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है एस्टिमेट, इस पर अभी हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ध्यान में रखिए वो एस्टिमेट ही कहलाएगा। फिफ्थ वाले पे आते हैं, परचेज डेट को कंपोनेंट का ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे कमल जी, वही तो सवाल था, सवाल वही तो पूछ रहा था, ठीक है, फेयर वैल्यू के रेशियो में बांट देंगे, बस खत्म, और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटिटी चार्ज्ड ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एज फाइनेंस कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001, फॉर, तो इस साल, नॉट अप टू, इस साल हमने 31 मार्च 2001 में कोई एक खर्चा है जिसको
हमने फाइनेंस कॉस्ट में डाल दिया। वेल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002 एंटिटी डिस्कवर्ड द एक्सपेंस शुड हैव बीन शोन इन अदर एक्सपेंसेस। भाई ये तो अदर एक्सपेंसेस में दिखाना चाहिए था, ये नहीं दिखाना चाहिए था वहां पे, है कि नहीं? तो ये अगले साल पता चला। तो ये क्या है? ये एरर है, ये एस्टिमेट्स है, ये पॉलिसी है। और अगर ऐसा है और हम इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो हम तीन बैलेंस शीट बनाएंगे या दो बैलेंस शीट बनाएंगे? पहले तो बताइए एरर है, एस्टिमेट है, क्या है, और उसके बाद क्या होना चाहिए? तीन बैलेंस शीट बनाना है कि दो बैलेंस शीट बनाना है? ट्राई टू आंसर सभी लोग प्लीज। नो इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट, अरुणा जी का कहना है सर बैलेंस शीट पे तो इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो दो ही बनाइए, दो ही बनाइए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये एरर है। करेक्ट कमल जी, एकदम सही, ये एरर है, बहुत बढ़िया अरुणा जी, बहुत बढ़िया हिरेन जी, बहुत बढ़िया इंद्र जी, नरेंद्र जी, तीन बैलेंस शीट नहीं बनेगी, दो बनेगी। सर दो क्यों बनेगी? दो इसलिए बनेगी क्योंकि बैलेंस शीट पे इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। क्या कर लोगे आप तीसरी बैलेंस शीट बना के? तीसरी बैलेंस शीट तो वैसी ही दिखेगी जैसे पहले भी थी। भाई आप कोई खर्चे को फाइनेंस से अदर एक्सपेंस में डाल दो या अदर एक्सपेंस से फाइनेंस में डाल दो, इस बात से पीएल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रॉफिट उतना का उतना ही है। तो दैट इज व्हाई सिंस द प्रॉफिट आर नॉट चेंजिंग, रिटेन अर्निंग इज नॉट चेंजिंग, रिटेन अर्निंग इज नॉट चेंजिंग, बैलेंस शीट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए दो ही बैलेंस शीट बनेगी, तीन नहीं बनेगी। ठीक है, अगला देखिए। वेल प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2003 एंटिटी डिस्कवर्स अ प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। बोनस का पेमेंट है, बोनस का पेमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिकोगनाइज इन 31 मार्च 2001। भाई 2003 का ऑडिट करते समय आप बोल रहे हो 2001 में खर्चा बुक करना चाहिए था, वॉज नॉट रिकोगनाइज, द बोनस वॉज पेड इन 31 मार्च 2002 एंड एक्सपेंस्ड इन सेड ईयर। उसी साल में उसको खर्चा दिखाया, 31 मार्च 2001 में बोनस का एक्सपेंस दिखाना था, नहीं दिखाया। पता चल रहा है 31 मार्च 2003 में कि 2002 में हमने ये खर्चा बुक कर दिया। एरर है, एस्टिमेट्स है, पॉलिसी चेंज है, और तीन बैलेंस शीट बनाना है कि दो बैलेंस शीट बनाना है? चलिए फटाफट सभी लोग ट्राई टू आंसर, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। भाई कितनी बैलेंस शीट्स बनाना है मेन चीज़ वो है, कितनी बैलेंस शीट्स बनाना है? तो एरर है, इस बार कमल जी बोल रहे हैं सर अब तो तीन बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्योंकि तीसरे साल से रिलेटेड है। ठीक है, नरेंद्र जी आप भी बताइए क्या लग रहा है आपको? तीन बैलेंस शीट इंद्र जी को भी लग रहा है, बढ़िया। यस, इस बार तीन बैलेंस शीट है, इस बार तीन बैलेंस शीट है, एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। वेल प्रिपेयरिंग द इंटरिम स्टेटमेंट, अब इंटरिम स्टेटमेंट की बात हो रही है, हाफ ईयर एंडिंग 30th September 2001 एंटिटी नोट्स दैट देर इज एन अंडर अक्रूवल ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस। कुछ खर्चे अंडर अक्रू हो गए, कम खर्चा लेने में आ गया। द अमाउंट ऑफ अंडर अक्रूवल इज असेस्ड टू बी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू इंटरिम स्टेटमेंट बट एक्सपेक्टेड टू बी इमटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एनुअल स्टेटमेंट। अब एनुअल स्टेटमेंट के एंगल से खर्चा इमटेरियल है, आपने अक्रूवल पे खर्चा बुक नहीं किया है। इंटरिम स्टेटमेंट के हिसाब से खर्चा मटेरियल है तो आपने उसको अक्रूवल पे बुक करना चाहिए था। अब हम बोल रहे हैं यार एनुअल में इमटेरियल है, इमटेरियल चीज़ों पे आप इंडेस नहीं लगाते। पहला रूल है इंडेस वन में, भाई इमटेरियल चीज़ों पे इंडेस मत लगाइए। भाई मैंने अक्रूवल नहीं किया, एनुअल स्टेटमेंट के हिसाब से इमटेरियल है, तो मैं बोल रहा हूँ यार छोड़ो ना, नहीं किया तो नहीं किया, जाने दो। पर इंटरिम स्टेटमेंट के हिसाब से वो मटेरियल था, तो इग्नोर करना सही रहेगा या करेक्ट करना पड़ेगा हमारे पुराने स्टेटमेंट को? एरर है ये, तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया, ये अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो एरर है, एरर का रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट होता है। वो जो हमारा सिक्स मंथली स्टेटमेंट है, क्वार्टरली स्टेटमेंट है, नहीं हाफ ईयरली स्टेटमेंट है, हाफ ईयरली स्टेटमेंट नहीं, नहीं नहीं, क्वार्टरली स्टेटमेंट में गड़बड़ हुई है, 30th जून क्वार्टरली स्टेटमेंट में गड़बड़ हुई है, तो उसको करेक्ट करना चाहिए क्योंकि क्वार्टरली स्टेटमेंट या हाफ ईयरली स्टेटमेंट के हिसाब से खर्चा मटेरियल है पर एनुअल स्टेटमेंट के हिसाब से मटेरियल है, तो मैं इग्नोर कर दूं चलेगा या नहीं? मेरे को क्वार्टरली स्टेटमेंट में इसका करेक्शन तो करना ही पड़ेगा। अरुणा जी बोल रहे सर करेक्ट तो करना पड़ेगा, बाकी के लोग क्या बोलते हैं? करेक्ट करना पड़ेगा इंटरिम में। सो व्हाट इज मटेरियल फ्रॉम द एंगल ऑफ, यानी मटेरियलिटी का डेफिनेशन किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंगल से देखा जाता है, ना कि वो एनुअल है कि इंटरिम है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ इंटरिम में मटेरियल है वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उस पर इंडेस लगाना पड़ेगा। तो इंडेस लगाया जाता है आप जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके बेसिस पे, तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से, उस क्वार्टरली स्टेटमेंट के हिसाब से वो मटेरियल है, तो आप लोगों को उसे करेक्ट तो करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अरुणा जी, इंद्र जी, कमल जी, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, चलो शानदार।
अब 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट 1 लाख विच इनएडवर्टेंटली ओमिटेड टू डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट करना ही भूल गए अपन। प्रॉपर्टी वॉज अक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2001, लाइफ है 10 ईयर्स, निल वैल्यू है, हम बोल रहे हैं 31 मार्च 2004। अब क्या करें, तीनों साल का डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज कर दें या इस साल से रिमेनिंग लाइफ, जैसे 3 साल हो गए ना, रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर्स में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें, इस साल से डेप्रिसिएशन शुरू कर देते ना, या तो ऑप्शन है यार भूल गए थे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया नहीं था, क्योंकि इंडेस 40 के हिसाब से डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना चाहिए था। वैसे देखा जाए तो 2 साल हो गए, ये 3रा साल है, तो बचे हुए 8 साल, या तो बचे हुए 8 साल में चार्ज कर देते हैं, 3 साल का पूरा इस साल चार्ज कर देते हैं, या आपके दिमाग में कुछ और है तो वो बताइए जो आप लोगों को ठीक लगे। मतलब आपको क्या लग रहा है, देखिए रिविजन आपका है तो आंसर आप कीजिए, क्या करना है आप लोगों को, क्या लगता है यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें। तो डेप्रिसिएशन कंपलसरी है, अरुणा जी का कहना है कि चार्ज तो करना पड़ेगा, ये एरर है, ये एरर है, बहुत बढ़िया। तो अगर ये एरर है तो अपने को रेट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा तो इस केस में कितनी बैलेंस शीट बनेगी ये भी बता दीजिए फिर। कृतिका जी बोल रहे हैं सर रिमेनिंग लाइफ पे रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा, 3 बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, अक्षय जी का भी यही कहना है, बहुत बढ़िया। कृतिका जी ध्यान में रखिए, दिस इज एरर, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, ये आपका एरर है। ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना एरर है, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना एस्टिमेट कहलाता है। ठीक है, ये एरर है तो करेक्ट तो करना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है ना। चलो शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 3 बैलेंस शीट्स बनानी पड़ेगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 9th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एबीसी लिमिटेड चेंज इट्स मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, पहले फीफो था अब वेटेड एवरेज है, पहले फीफो था वेटेड एवरेज हो रहा है, ये क्या है, ये पॉलिसी चेंज है कि एस्टिमेट चेंज है, ये पॉलिसी चेंज है कि एस्टिमेट चेंज है, ये बता दीजिए बताइए। अब इसके कारण इन्वेंट्री का इंपैक्ट बताया हुआ है कि भाई इन्वेंट्री की वैल्यू 31 मार्च 2001 की वैल्यू 10 मिलियन से बढ़ गई, 2002 की वैल्यू 15 मिलियन से बढ़ गई, 2003 की वैल्यू 20 मिलियन से बढ़ गई। तो पहले इसका इंपैक्ट देते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में अपन इसका इंपैक्ट देखते हैं, क्योंकि पीएल तो दो ही बनते हैं हमेशा, बैलेंस शीट 3 बनती है, पीएल हम 2 ही बनाते हैं कुछ भी हो। तो पहले इसका इंपैक्ट देखते हैं, पॉलिसी चेंज है, बहुत बढ़िया सर। 3 बैलेंस शीट कब बनाएंगे अक्षय जी, जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट के ऊपर इंपैक्ट आता है ना तब 3 बैलेंस शीट बनती है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई फिगर बदलने वाला है तो हम 3 बैलेंस शीट बनाते हैं, नहीं तो 2 ही बनाते हैं। ठीक है, चलो तो ओपनिंग पे क्या फर्क पड़ेगा आप ये बताइए। अरुणा जी आपने तो मुझे ये बता दिया, सीओजीएस अभी नहीं पूछा मैंने, ओपनिंग पे क्या इंपैक्ट आना चाहिए, बहुत बढ़िया, ये पॉलिसी चेंज है, वेरी गुड वेरी गुड। मानसी जी एस्टिमेट चेंज नहीं है, लीफो से वेटेड एवरेजेस पॉलिसी चेंज, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलो चलो अब अच्छा लग रहा है कि सब लोग आंसर कर रहे हैं, इससे पहले 2 लोग आंसर कर रहे थे, आप लोग आंसर नहीं करते हो तो फिर मेरा मूड खत्म हो जाता है पढ़ाने का, मुझे लगता है यार क्या पढ़ा रहा हूँ, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं बाकी के लोग टाइम पास कर रहे हैं। चलो चलो ओपनिंग इंक्रीज होगा, ओपनिंग प्रॉफिट बढ़ाना है सोनू जी कि प्रॉफिट घटाना है, 10 का इंक्रीज है रिटेन अर्निंग में, वेरी गुड बहुत बढ़िया, यस 10 का इंक्रीज, हमारी रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी 433 हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये तो ओपनिंग में हुआ, अगर मैं रिटेन अर्निंग की बात करूँ तो हमारा ओपनिंग रिटेन अर्निंग 10 मिलियन से बढ़ गया, फिर उसके बाद में एक बैलेंस शीट बनेगी, इस बैलेंस शीट में दूसरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी 10 मिलियन से बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी बैलेंस शीट आप बनाओगे 20X1X2, इसमें भी रिटेन्ड अर्निंग पे इंपैक्ट आएगा, कितना रिटेन्ड अर्निंग पे इंपैक्ट आना चाहिए बताइए, यानी ये 10 तो आपने कंसिडर कर लिया, ये 10 कंसिडर करने के बाद रिटेन्ड अर्निंग 433 हो गया, इसके बाद वाले साल में रिटेन्ड अर्निंग पे कितना इंपैक्ट आया ये बताइए। क्लोजिंग स्टॉक तो 15 मिलियन से बढ़ गया, ठीक है बहुत बढ़िया, 5 से बढ़ गया, वेरी गुड वेरी गुड। फिर 20X2X3 क्लोजिंग स्टॉक 20 मिलियन से बढ़ गया, प्रॉफिट पे इंपैक्ट कितना आएगा ये बताएंगे। नहीं नरेंद्र जी 15 से नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट 5 से ही बढ़ेगा, ठीक है ना, ओपनिंग वाला 10 से बढ़ा फिर 5 से बढ़ा और उसके नेक्स्ट ईयर फिर 5 से बढ़ेगा, उसके नेक्स्ट ईयर फिर 5 से बढ़ेगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आइए अब पीएल करेक्शन करते हैं, पीएल करेक्शन देखो रेवेन्यू तो बदली नहीं, ये वाला फिगर चेंज करना है, X1 X2 का ये फिगर कितना हो जाएगा बताइए,
एक्स टू एक्स थ्री का ये फिगर कितना हो जाएगा ये बताइए, ये दोनों के दोनों फिगर्स बताइए मेरे को कितना कितना कर लेना है। फटाफट सभी लोग ट्राई टू आंसर। अरुणा जी ने इससे पहले आंसर दिया था 164 का करेक्शन, बाकी सब भी बताएंगे कि क्या करना है। चलिए वेरी गुड, ये 159 हो गया, 159। अभी समझ में आ जाएगा आपको नरेंद्र जी क्या हुआ, रुक जाइए। देखिए क्या हो रहा है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। जब आप COGS निकालते हो तो COGS क्या होता है, COGS होता है ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, इसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वैल्यू आपको दी हुई है 164, है ना, 164। अब जब आप ओपनिंग की वैल्यू 10 से बढ़ा देते हो, क्लोजिंग की वैल्यू 15 से बढ़ा देते हो, तो COGS तो बदल जाएगा, COGS बदल जाएगा। अब मैं अगर ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ तो ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग प्लस 10 माइनस 15, ये वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू हमको पता है कि 164 है, तो 164 प्लस 10 माइनस 15 होता है 159। नाउ सिंस COGS इज रिड्यूस्ड, COGS 159 हो गया, तो प्रॉफिट 5 से बढ़ गया ना। COGS आपका 5 से कम हो गया तो प्रॉफिट 5 से बढ़ गया, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। एक्सपेंस उतने के उतने ही है, तो ओवरऑल प्रॉफिट 63 हो गया ना। जब प्रॉफिट 5 से बढ़ा है तो ओवरऑल रिटेन अर्निंग भी तो 5 से ही बढ़ेगा ना, जब प्रॉफिट 5 से बढ़ा है तो रिटेन अर्निंग भी 5 से ही बढ़ेगा। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते सर इंक्रीज वहां पे 2 थोड़ी लिखा है या बाय थोड़ी लिखा है, जो भी लिखा है जितने का इंक्रीज है उतने के इंक्रीज में ओपनिंग का इंपैक्ट डिडक्ट भी तो हो रहा है ना, ओपनिंग के कारण कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है, ओपनिंग के कारण कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है, बस ये ध्यान है। ठीक है, हाँ लिखा हुआ शो नहीं हो रहा, मैं जो बोल रहा हूँ बस उसे समझिए, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मैं भी श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा आई एम न्यू टू द चैनल सो प्लीज़, कोई टेलीग्राम लिंक है तो मुझे बता दो। टेलीग्राम लिंक अनूप जी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है ये, हाँ ये लीजिए, ये आ गया पूरा पूरा। तो ये 159, 159 का जो इम्पैक्ट है वो हम लोगों ने वहाँ पे लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज थोड़े टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, मैं चेक करता हूँ क्यों आ रहे हैं ये सारे के सारे। आज का क्लास सेशन कैसे तो भी एंड करते हैं इसको। तो देखो कुछ नहीं हुआ कृतिका जी, यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने ओपनिंग स्टॉक 10 से बढ़ाया तो प्रॉफिट 10 से कम हो गया। अगर आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रॉफिट तो कम होगा ना, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15 से बढ़ाओगे तो प्रॉफिट 15 से बढ़ेगा। तो एक तरफ प्रॉफिट 10 से कम हो रहा है, दूसरी तरफ प्रॉफिट 15 से बढ़ रहा है, नेट 5 से प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, वही यहाँ पे लिखा हमने। अब वही चीज़ करंट ईयर में भी हो जाएगी, ये 168 हो गया तो ये 156 हो गया, यानी ये वाला प्रॉफिट 73 हो गया, बस और कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, चलो समझ गए, किसी कोई दिक्कत। कभी कभी इंड एस 116 में पता नहीं लगता लीज का पीरियड कब होता है, अज्यूम कीजिए, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो ले लीजिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो बिगनिंग अज्यूम कीजिए। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ आजकल, पहले तो मैं बोलता था अपने मन से अज्यूम कर लीजिए, पर अब मैं अपने मन से नहीं बोलता हूँ इस बार की एग्ज़ाम के अटैम्प्ट के बाद से। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में IIA को लेके भी बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, पहली बात तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, IIA वगैरह सब कुछ इररिलेवेंट है। दूसरा IIA पास नहीं हुआ है वो स्क्वैश आउट हो गया है। ठीक है, सिर्फ डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर में नॉन CA मेंबर्स को भी ऐड किया गया है, वो पास हुआ है बिल। ठीक है, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट ये सब पूछते हैं, इन सब चीज़ों पर दिमाग मत लगाइए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग द ईयर 4-5 चेरी लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट सम प्रोडक्ट्स Have been sold. Have been sold during the year were incorrectly included in inventory at 6500. Incorrectly included. तो वह क्या, आपने तो इन्वेंट्री बेच दी थी पर इन्वेंट्री में लेने में आ गया, सेल हो गया था पर लेने में आ गया,
अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये लाइन पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, गड़बड़ क्या हुई हमसे? क्लोजिंग स्टॉक में 6,500 ज़्यादा लेने में आ गया, या रेवेन्यू भी कम दिखाने में आई है? रेवेन्यू भी कम दिखाने में आई है या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक 6,500 से ज़्यादा लेने में आ गया है? क्या लग रहा है आप लोगों को? अब देखिए अनूप जी, लिंक तो वही है, उसी लिंक से सारे के सारे स्टूडेंट जाते हैं, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको। शिवानी जी का कहना है सर दोनों में गड़बड़ है, क्लोजिंग स्टॉक तो लेने में आया ही है, रेवेन्यू में भी गड़बड़ भी है। कमल जी बोल रहे हैं नहीं सर सिर्फ इन्वेंट्री में लेने में आया है। तो ये बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा रहेगा डेट रेवेन्यू वॉज स्किप्ड टू बी अकाउंटेड फॉर एंड इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, मतलब रेवेन्यू में लेने में नहीं है। अरे बॉस जब ये बोल रहा है कि गलती से इन्वेंट्री में लेने आ, मैं आया, बोलने का मतलब ये कि आपने सेल कर दिया था, सेल अकाउंट कर दिया था, पर जब आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रहे थे तो उसे इन्वेंट्री में भी ले लिया, मतलब वो चीज़ की डबल अकाउंटिंग हो गई, रेवेन्यू में तो सही लिया था पर क्लोजिंग स्टॉक में भी ले लिया, ये गड़बड़ हुई है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक वाली गड़बड़ है, रेवेन्यू में नहीं लिया कभी मत बोलना, ऐसे नहीं पढ़ना। रेवेन्यू के लिए लिखा रहेगा कि इट हैज स्किप्ड टू बी अकाउंटेड इन रेवेन्यू, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे सब लोग। चेरी लिमिटेड अकाउंटेड फॉर द ईयर 4-5, करंट ईयर की बात कर रहा है, 4-5, सेल 1,04,000, मैं यहां लिख देता हूं सेल 1,04,000, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 86,500, इसमें ये 500 इंक्लूडेड है, इसमें 6,500 इंक्लूडेड है, एंड इनकम टैक्स 5,250, उसके ऊपर बाद में देखेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स के बारे में बाद में देखेंगे। अब आप लोग मेरे को ये बताइए इतना पढ़ के कि क्या करेक्शन करना है, करेक्शन बताइए कि करेक्शन क्या करना है, करेक्शन क्या करना है, बाद में इनकम टैक्स की बात करते हैं। ये तो जर्नल एंट्री होगी ना कमल जी, मैं जर्नल एंट्री का क्या करूं, आप मेरे को करेक्शन बताइए ना, वैल्यू करेक्शन बताइए, जर्नल एंट्री मत बताइए, आप वैल्यू करेक्शन बताइए, मैं क्या करूं यहां पे, ये फिगर्स मैंने सामने लिख के रखा है, आप मेरे को करेक्शन बताइए मैं यहां पे क्या करूं। डिक्रीज 6,500, करंट ईयर में हम 6,500 कम कर देंगे तो ये हो गया 80,000, शानदार, वेरी गुड अरुणा जी, और बताइए, बस ये करेक्शन सफिशियंट है। COGS डिक्रीज बाय 6,500, दिस इज सफिशियंट, 6,500 एड इन प्रीवियस ईयर में 6,500 एड भी करेंगे, बहुत बढ़िया अक्षय जी, वेरी गुड, 60,000 हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ तक प्रॉफिट 24,000 हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ पे प्रॉफिट 13,500 हो गया, बढ़िया। इनकम टैक्स 30% का रेट है तो यहां पे टैक्स 7,200 हो गया, और यहां पे टैक्स 4,050 हो गया, तो ओवरऑल पैट चेंज हो जाएगा, तो पैट चेंज करके बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस का इंपैक्ट आप बता सकते हैं। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग आपको दिया हुआ है, उसके आगे तो क्या आपको सिर्फ करेक्शन करना है, ये रिटेन अर्निंग में ये वाला यहां वाला प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर वाले में नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताइए, बाकी ईपीएस आप लोग निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कोई दिक्कत है उस क्वेश्चन में, 10th वाले क्वेश्चन में तो बताइए। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, 11th क्वेश्चन को, ठीक है। चल 34 इन द ईयर 3-4 आफ्टर एंटिटीज 31 मार्च 2003 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अप्रूव्ड, अ लेटेंट डिफेक्ट इन कंपोजिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड वॉज डिस्कवर्ड, डिफेक्ट कुड नॉट बी डिस्कवर्ड ऑन रीजनेबल और कस्टमरी इंस्पेक्शन। अब ये क्वेश्चन को मैं आपको दो एंगल से पढ़ाऊंगा, 8 और 10, पहले हम सिर्फ 8 के हिसाब से पढ़ेंगे, सिर्फ 8 के हिसाब से, बाद में मैं क्वेश्चन में कुछ चेंज करूंगा जिसे हम 10 के एंगल से देखेंगे, ठीक है, पढ़िए यहाँ पे। चलो टीवाई के 3 आरटीपी में 21 का क्वेश्चन है, ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ लेटेंट डिफेक्ट एंटिटी इनकर्ड 1 लाख
अनएंटिसिपेटेड कॉस्ट फॉर फुलफिलिंग द वारंटी ऑब्लिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल मेड बिफोर 31 मार्च 2003। तो 31 मार्च 2003 के पहले जो सेल हुआ था उससे रिलेटेड ये लेटेंट डिफेक्ट का वारंटी कॉस्ट आपको लग गया 1,00,000 रुपए। उसके अलावा और 20,000 लगे टू रेक्टिफाई द प्रोडक्ट्स। एक तो वो जो करंट ईयर में सेल हुए हैं, करंट ईयर में सेल हुए हैं बिफोर द इट वॉज डिटेक्टेड, और इसमें से 5,000 रिलेट्स टू रेक्टिफिकेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना, लेटेंट मतलब आप एक बार का समझिए टेक्निकल इशू हो गया। अभी एक बार का दिमाग में ये रखिए कि टेक्निकल डिफेक्ट निकल गया, भाई इतना आसानी से नहीं पता किया जा सकता था। जब कस्टमर के पास चला गया तो उसके बाद पता चला कि इस तरह का कोई इशू है। जैसे मैं आपको टाटा की कार्स के बारे में बताता हूँ, टाटा की ने जब एकदम नई नई ये 2-3 कार्स आई थी, नेक्सॉन आई थी, टियागो आई थी, टिगोर आई थी, तो इनका जो इंजन एसी का जो ब्लोअर होता है उसी के सामने में हॉर्न लगा हुआ था, और हॉर्न के अंदर ना एक ऐसा छोटा सा छर्रा होता है यानी जिसके थ्रू हॉर्न का आवाज़ निकलता है, वहाँ पे कोई छोटा सा छर्रे जैसी चीज़ होती है। जब कोई एक्सीडेंट होता था तो वो हॉर्न थोड़ा सा पीछे जाता था और वो जो छर्रा रहता था, वो जो बॉल रहता था, वो एसी का जो जहाँ पे एसी की गैस रहती है उसको हिट करके पूरी की पूरी गैस को बाहर निकाल देता था। अब ये एक लेटेंट डिफेक्ट है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जब लोगों को बिक गया कस्टमर प्रोडक्ट बिक गया तो उसके बाद में उनको ये आइडेंटिफाई हुआ, अब रेक्टिफाई करके दे रहे हैं आप टाटा की कारों में, वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, उन्होंने ठीक कर दिया उसको। तो खैर उन्होंने बोला यार ये लेटेंट डिफेक्ट के लिए वारंटी के करीब करीब 1,00,000 का खर्चा हो गया, करंट ईयर के सेल से रिलेटेड 20,000 का खर्चा है जिसमें से ओपनिंग स्टॉक को रेक्टिफाई करने का 5,000 रुपीज़ लगा है, ओवरऑल 120 का खर्चा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है, उसके बाद की बात बाद में पढ़ेंगे, ये एरर है क्या, ये एरर है क्या? वो वारंटी का खर्चा लास्ट ईयर में दे दूँ क्या? यानी एरर है तो लास्ट ईयर के इसमें वारंटी का खर्चा दिखाएंगे 1,00,000 का, अगर ये एरर नहीं है तो करंट ईयर में दिखाएंगे, इज दिस एरर? तो अरुणा जी बोल रहे नहीं सर ये एरर तो नहीं है, ये एरर तो नहीं है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? कमल जी बोल रहे नहीं सर ये एरर नहीं है। तो देखो ये जो इजीली रेक्टिफाई हो जाता, डिटेक्ट हो जाता, वो एरर था कि आपकी तरफ से मैनेजमेंट मिस्टेक है। जो इजीली नहीं हो सकता वो तो एरर नहीं बोल सकते आप, है ना? तो दिस इज नॉट एन एरर, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप सब लोग। अब आगे पढ़ते हैं, द डिफेक्टिव इन्वेंट्री कॉस्ट वॉज 15,000 ओपनिंग स्टॉक, 15,000 जिसको रेक्टिफाई करने का खर्चा 5,000 रुपये लगा। उस दिन NRV 5,000 था, उस दिन NRV 5,000 था, तो अब वापस से रिवाइज NRV निकाल के ओपनिंग स्टॉक को रिस्टेट करना है क्या? वापस NRV निकाल के ओपनिंग स्टॉक को रिस्टेट करना है क्या, मेरा सवाल ये है। यानी इन द सेंस बैलेंस शीट अप्रूव हो गई, सब कुछ हो गया, ध्यान रखो क्वेश्चन जब आप ऐसा पढ़ रहे हैं इसमें बैलेंस शीट की अप्रूवल डेट नहीं दी हुई है, मतलब बैलेंस शीट अप्रूव हो गई, बैलेंस शीट चली गई, पब्लिश हो गई, नेक्स्ट ईयर पता चल रहा है कि ये सब कुछ डिफेक्ट हुआ था। अब जब नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, दैट इज 3-4, तो 2-3 में 31 मार्च 2003 के ओपनिंग स्टॉक में NRV करेक्शन करना है क्या, सवाल ये। ठीक है, तो कृष्णा जी का कहना है नहीं नहीं करना है, तो बस एरर नहीं है तो क्यों करेंगे ना, एरर नहीं है तो नहीं करेंगे, एरर नहीं है नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर समझ गए, ये क्वेश्चन एज इट इज आया तो आप आंसर कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को अल्टर कर रहा हूं। आपको लेटेंट डिफेक्ट पता चला, आपने लेटेंट डिफेक्ट के पीछे खर्चा किया, बैलेंस शीट वॉज अप्रूव्ड आफ्टर द लेटेंट डिफेक्ट वॉज डिटेक्टेड। बैलेंस शीट ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूं दिस इज सिनेरियो 2। बैलेंस शीट के अंदर में लेटेंट डिफेक्ट वॉज डिटेक्टेड आफ्टर, बैलेंस शीट वॉज अप्रूव्ड आफ्टर लेटेंट डिफेक्ट वॉज डिटेक्टेड आफ्टर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि यहां पे ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बताइए एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? बैलेंस शीट अप्रूव बाद में हो रही है तो क्वेश्चन इंडिया 10 का हो गया, अभी तक 8 के एंगल से पढ़ रहे थे, अब 10 के एंगल से पढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ही लेटेंट डिफेक्ट मिल गया था, यानी लेटेंट डिफेक्ट मिला उसके बाद बैलेंस शीट अप्रूव हो रही है, तो अब आप बताइए क्या करना है। देखिए एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, अरुणा जी का कहना है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन 31 मार्च, हैंड सेट, कृष्णा जी का कहना है एडजस्टिंग इवेंट है, नरेंद्र जी का कहना है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इंद्र जी का, देखिए मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, है ना, कमल जी का कहना है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, सोनू जी का कहना है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। देखिए ऐसा ही एक सवाल इंडिया 10 के अंदर है, हम लोग इंडिया 10 कल पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, भाई हमने एक काम लिया गड्ढा खोदने का, जब हम गड्ढा खोद रहे थे तो बाद में बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले रिपोर्टिंग डेट के बाद हमको वहाँ पे पत्थर मिल गया, तो एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? रॉकी सर्फेस वाला एक क्वेश्चन है, रॉकी सर्फेस, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोला एडजस्टिंग इवेंट है।
क्यों भाई, पत्थर तो वहां पहले से था, आपने एस्टिमेट गलत निकाला। डिफेक्ट तो 31 मार्च के पहले से था, डिफेक्ट 31 मार्च के पहले से था। आप उस डिफेक्ट के बारे में बाद में आपको पता चल रहा है, तो इसका मतलब क्या डिफेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था क्या? 31 मार्च के पहले डिफेक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा था, आपको 31 मार्च के बाद पता चल रहा है। वो आसानी से पता चल सकता था या मुश्किल चीजों में ही पता चल सकता था, वो बात अलग है। वो एस्टिमेट चेंज थोड़ी है, कोई अकाउंटिंग में एस्टिमेट चेंज होते हैं, है कि नहीं? तो इवेंट तो एग्जिस्ट कर रहा था ना 31 मार्च के पहले। दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, ध्यान में रखिए भाई। डिफेक्ट तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था ना, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। ऐसे में मैं अपनी एनआरवी को चेंज करूंगा, ऐसे में मैं अपनी एनआरवी को चेंज करूंगा। अगर ये बैलेंस शीट अप्रूव होने की होती तब मैं बोलता कि मेरा कॉस्ट 15,000 है, और तब मैं एनआरवी को बिल्कुल एडजस्ट करता, 18,000 - 5,000 इज इक्वल टू 13,000। ये मैं करता ज़रूर, ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? समझ गए? ध्यान रखेंगे ये बात। तो कल रॉकी सरफेस वाला क्वेश्चन कल ही पढ़ना है। चलिए, अब कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करके रखा है सब्सक्राइब करके रखिए। हम रोज़ लाइव आते हैं 10 बजे। कल हम 10 एंड, मैं कोशिश करूँगा 2 स्टैंडर्ड एक साथ ले लें। मैं अभी देख लूँगा TYK में कितने क्वेश्चन हैं। 10 एंड 37 साथ में लेने की इच्छा है मेरी, तो दोनों के दोनों साथ में ले लेंगे, ठीक है? हाँ, अनूप जी का बोलना है सर हम इसका आंसर कैसे करें। ये क्वेश्चन का आंसर आपको इंडिया से 8 के हिसाब से ही करना है। मैंने सिनेरियो 2 दिया आपको, ये क्वेश्चन 8 के हिसाब से ही आंसर होगा, दिस इज नॉट एन एरर, ठीक है ना? आपको वही आंसर देना है। हाँ, कल भी 10 बजे ही रहेगा, कल 1 तारीख है ना, कल भी 10 बजे रहेगा। परसों गुड़ी पाड़वा है, परसों छुट्टी रहेगी हमारी क्लास को, या फिर मैं हो सका तो मैं शाम को ले लूँगा सेशन, मैं देखूंगा, मैं श्योर नहीं हूँ। 2 तारीख को छुट्टी रहेगी, कल सेशन है, तो कल मैं कोशिश करूँगा 2 स्टैंडर्ड एक साथ ले लें, 10 एंड 37 एक साथ ले लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस। पेपर तो पता नहीं चलेगा इंडिया सेट है कि 10। अरे अनूप जी, मैंने क्या कहा, बैलेंस शीट अप्रूवल की डेट दी है तो 10 आता है, बैलेंस शीट अप्रूवल की डेट दी है तो 10 आता है, नहीं तो 8 आता है। बैलेंस शीट डेट की अप्रूवल होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है? वो ध्यान में रखना अनूप।